2025 के चुनाव में देखेंगे पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, जरा उनसे पूछ लीजिए, और उनको चुनौती भी दे रहा हूँ, अगर उनमें दम है तो आपके 75 लोगों को लड़ा कर दिखा दें। ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, आपके समाज के अगर 75 लोगों को लड़ाएंगे तो लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे और उसके पीछे लड़ने की पूरी साधन की भी व्यवस्था करके देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पटना के बापू सभागार से बड़ा ऐलान कर दिया है। कल कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौके पर प्रशांत किशोर बापू सभागार में लोगों को संबोधित कर रहे थे और भारी भीड़ उमड़ी थी। और ऐसे में बड़ा ऐलान प्रशांत किशोर ने यह किया कि 2025 के चुनाव में अति पिछड़ा जाति के 75 उम्मीदवार होंगे। देखिए, प्रशांत किशोर का ये दावा बता रहा है कि पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में अब प्रशांत रंग चुके हैं, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, जनसुराज पदयात्रा पर बिहार में निकले हैं। और प्रशांत किशोर ने खुले मंच से कहा है कि बिहार के इतिहास में ये सब चीजें आप लोग देखिएगा। क्या करें प्रशांत किशोर, जरा वो सुनिए। 2025 के चुनाव में देखेंगे पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 75 आदमी चुनाव लड़ेगा। और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, जरा उनसे पूछ लीजिए, और उनको चुनौती भी दे रहा हूँ, अगर उनमें दम है तो आपके 75 लोगों को लड़ा कर दिखा दे, कोई नहीं लड़ा सकता है। और ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, आपके समाज के अगर 75 लोगों को लड़ाएंगे तो लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे और उसके पीछे लड़ने की पूरी साधन की भी व्यवस्था करके देंगे। ये आपको आश्वासन देकर जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के समारोह में एक और घोषणा मैं करना चाहता हूँ। मेरी समझ से किसी भी समाज के बेहतरी का सबसे ताकतवर और इफेक्टिव जरिया है शिक्षा। जनसुराज की तहत से इस वर्ष से, अभी से मार्च महीने के आगे से, हर वर्ष 500 अति पिछड़ा समाज के बच्चों को जनसुराज अपने खर्चे पर मेधावी छात्रों को पढ़ाने का खर्चा जनसुराज से दिया जाएगा। दल की ओर से मतलब करीब करीब हर जिले से 10 से 12 मेधावी छात्रों को, जिसको आपकी मदद से कंपटीशन के आधार पर चुना जाएगा, उनको आगे पढ़ाने की, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नौकरी के एग्जाम्स में उनको कोचिंग के लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था का पूरा खर्चा जनसुराज की ओर से उसको उठाया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध ये है, एक बार चाहे आधी पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने पर पैसा खर्च कीजिए। अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, तब तक किसी भी हालत में, किसी भी व्यवस्था में आपका और आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है, उनको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेताओं का नारा लगाने से बात नहीं बनेगी। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, जन स्वराज के संस्थापक पदयात्री प्रशांत किशोर पटना के बापू सभागार पहुंचे। कर्पूरी जयंती के मौके पर प्रशांत किशोर ने खुले मंच से ऐलान किया है, लोगों का है कि आपकी जाति के 75 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, और उतारेंगे कौन? प्रशांत किशोर। देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।